नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारे चैनल पर 45 डेज के तेलुगू स्पोकन क्लासेस चल रहे हैं, जिसका आज का ये 10वां दिन है। तो अगर आपने प्रीवियस के 9 क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें। और अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। 45 डेज क्लासेस के लिए 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो वो पीडीएफ आपको किस प्रकार मिलेंगे, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करके व्हाट्सएप मैसेज करें, जिसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स किस प्रकार मिलेगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज कुछ प्रपोजिशंस के बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट वन इज पास। फर्स्ट वन इज पास। पास को तेलुगु में कहेंगे दग्गरा। पास को कहेंगे दग्गरा। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि मैडम थोड़ा धीरे धीरे बताइए कि हमें थोड़ी समझने में दिक्कत आती है, तो मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगी। पास को कहेंगे दग्गरा। पास को कहेंगे दग्गरा। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। ना दग्गरा समयम लेदु। ना दग्गरा समयम लेदु, या फिर ना दग्गरा टाइम लेदु। ना दग्गरा समयम लेदु, या फिर ना दग्गरा टाइम लेदु। मेरे पास ना दग्गरा, मेरे ना पास दग्गरा समयम या टाइम, समय लेदु नहीं है। कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट नहीं है को लेदु कहेंगे। नहीं है लेदु। ना दग्गरा समयम लेदु, या फिर ना दग्गरा टाइम लेदु। द सेकेंड वन इज दूर। दूर को तेलुगु में दूरम कहते हैं, पर सेंटेंस में ज्यादातर दोरंगा यूज करेंगे, दोरंगा। तो चलिए इनसे सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। मेरा गांव बहुत दूर है। ना ऊरु चाला दूरंगा उंदी। ना ऊरु चाला दूरंगा उंदी। मेरा गांव, मेरा यानी ना गांव, ऊरु बहुत चाला दूरंगा उंदी। दूर है, मेरा गांव बहुत दूर है। ना ऊरु चाला दूरंगा उंदी। द थर्ड वन इज भी। भी को तेलुगु में कहेंगे कूड़ा। भी को कहेंगे कूड़ा। मैं भी आऊंगी, या मैं भी आऊंगा। नेनु कूड़ा वस्तानु। नेनु कूड़ा वस्तानु। नेनु मैं भी कूड़ा आऊंगी आऊंगा वस्तानु। आऊंगी आऊंगा वस्तानु। नेनु कूड़ा वस्तानु। द फोर्थ वन इज तरफ। द फोर्थ वन इज तरफ। तरफ को कहेंगे वैपु। तरफ को कहेंगे वैपु। वैपु ओके ना। तरफ को कहेंगे वैपु। मेरी तरफ देखो ना वैपु चूड़ु। मेरी तरफ देखो ना वैपु चूड़ु। मेरी ना तरफ वैपु देखो चूड़ु। देखो चूड़ु, वही देखे वो कहेंगे चोड़ंडी। देखे वो कहेंगे चोड़ंडी। ना वैपु चोड़ंडी, उस तरफ देखो। आ वैपु चोड़ंडी, उस यानी आ वैपु चोड़ंडी। मेरी तरफ देखो ना वैपु चूड़ु, देखिए चोड़ंडी। द फिफ्थ वन इज लिए। द फिफ्थ वन इज लिए। कोसम। लिए को कहेंगे कोसम। किसके लिए? एवरी कोसम। मैं आपके लिए आई हूँ। नेनु मी कोसम वच्चानु। मैं आपके लिए आई हूँ। नेनु मी कोसम वच्चानु, या आया हूँ, दोनों के लिए वच्चानु ही आएगा। मैं, नेनु आपके लिए, मी कोसम आपके, मी लिए कोसम आई हूँ वच्चानु। आई हूँ वच्चानु। अगर दिक्कत हो रही तो प्लीज वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा, मुझे पता है। कोई भी लैंग्वेज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे पीछे जरूर बोलने का ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, द सिक्स्थ वन इज तक। तक को तेलुगु में कहेंगे वरकू। तक को कहेंगे वरकू। कहाँ तक जा रहे हो? एक्कड़ वरकू वेलुतुन्नावु। कहाँ एक्कड़ा तक वरकू जा रहे हो या जा रही हो? वेलुतुन्नावु जा रहे हो या जा रही वेलुतुन्नावु। कब तक आओगे? एप्पटि वरकू वस्तावु। ओके फ्रेंड्स, वरकू तक। साथ वेंटा या तो पाटु। वेंटा या तो पाटु। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, या मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नेनु कूड़ा मैं भी आए थे कूड़ा भी कूड़ा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नेनु कूड़ा तुम्हारे साथ। नी तो पाटु या नी वेंटा कुछ भी यूज कर सकते हैं। नी तो पाटु वस्तानु। नेनु कूड़ा नी तो पाटु वस्तानु। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी या तुम्हारे साथ आऊंगा। नेनु कूड़ा
नी तो पाटू वस्तानू या नी वेंटा वस्तानू, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। द एट वन इज बिना। बिना को तेलुगु में कहेंगे लेकुंडा। बिना को कहेंगे लेकुंडा, आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा, आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मीरू लेकुंडा नेनु वेलनु, मीरू लेकुंडा नीनु वेलनु। आपके बिना मीरू लेकुंडा नेनु मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी वेलनु। मीरू लेकुंडा नेनु वेलनु। द नाइन्थ वन इज लेकिन। नाइन्थ वन इज लेकिन। लेकिन को कहेंगे कानी। लेकिन को कहेंगे कानी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। मुझे सर्दी लग जाती है, तो उस वर्ड को कैसे कहेंगे? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। नाकु आइसक्रीम अंटे चाला इष्टम। नाकु आइसक्रीम अंटे चाला इष्टम, कानी नेनु तिनलेनु। कानी लेकिन मैं नहीं खा सकती, नेनु तिनलेनु। नाकु आइसक्रीम चाला इष्टम, कानी नेनु तिनलेनु। द टेंथ वन इज मे। मे को कहेंगे लो। मे को कहेंगे लो। मैं घर में हूँ, नेनु इंटिलो उन्नानु। मैं घर में हूँ, नेनु इंटिलो उन्नानु। मैं नेनु घर में इंटिलो। घर को इल्लू कहते हैं, पर जब भी घर के बाद कोई कारक चिन्ह आ जाए, नहीं इल्लू के बाद में कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो उसे इंटी बोल देंगे। नेनु इंटिलो उन्नानु, मैं घर में हूँ, नेनु इंटिलो उन्नानु। द इलेवेंथ वन इज ऊपर या पर। को तेलुगु में कहेंगे मीदा या पैना। मीदा या पैना। टेबल के ऊपर मोबाइल है, को तेलुगु में कहेंगे टेबल मीदा मोबाइल होंगे। टेबल को तो जैसे इंग्लिश का ही वर्ड है तो दोनों सेम रहेगा। ऊपर मीदा या पैना, कुछ दोनों में से कह सकते हैं कुछ भी। मोबाइल, मोबाइल इंग्लिश वर्ड है, उंदी। टेबल मीदा मोबाइल उंदी, टेबल पर मोबाइल है। द ट्वेल्थ वन इज नीचे। नीचे को तेलुगु में क्रिंदा कहते हैं, पर बोलचाल की भाषा में किंदा कह देते हैं। मतलब जो रा की मात्रा को हटा के सिर्फ किंदा बोल देते हैं। टेबल के नीचे क्या है या नीचे क्या है, तो टेबल के नीचे क्या है उस वर्ड को देखते हैं। टेबल के नीचे क्या है, टेबल क्रिंदा ये मुंदी या टेबल किंदा ये मुंदी। टेबल को इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी लगभग आजकल सभी में टेबल ही कह देते हैं। मेज बोलते हैं, तेलुगु में बल्ला बोलते हैं, पर नॉर्मल टेबल ही चलता है आजकल, तो मैं उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बता रही हूँ। टेबल क्रिंदा ये मुंदी या टेबल किंदा ये मुंदी। किंदा यानी नीचे, ये मुंदी क्या है, क्या को एमटी कहते हैं, पर मैंने बहुत सारे वीडियो से बताया ये बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, ये कहीं कहीं एनटी भी बोल देते हैं। उसी में उन सब में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, टेबल किंदा ये मुंदी। द थर्टीन्थ वन इज पहले। पहले सामने आगे, तीनों के लिए हम लोग मुंदू का यूज करेंगे। पहले सामने आगे, तीनों के लिए मुंदू, तेलुगु में मुंदू का उपयोग करेंगे। पहले आप बताइए, मुंदू मीर चप्पंडी, मुंदू मीरु चप्पंडी। पहले आप बताइए, मुंदू मीर चप्पंडी। पहले मुंदू आप मीरु बताइए चप्पंडी। ठीक उसी प्रकार सामने, सामने को भी मुंदू कहेंगे। आप सामने आइए, मीरु मुंदुकु रंडी। कु यानी को, आप सामने को आइए कहेंगे तेलुगु में, तो उसके लिए मीरु मुंदुकु रंडी। आप सामने को आइए, मीरु मुंदुकु रंडी। ठीक उसी प्रकार आगे, आगे को भी मुंदु कहेंगे। आगे जाइए, मुंदुकु वेल्लंडी। आगे जाइए यानी आगे को जाइए, मुंदुकु वेल्लंडी। सामने, पहले, आगे, तीनों के लिए मुंदु का यूज होगा। फोर्टीन्थ वन इज पीछे। पीछे कहेंगे वेनुका। पीछे कहेंगे वेनुका। पीछे देखो यानी जैसे मैंने बहुत बार कहा, तेलुगु में कहेंगे पीछे को देखो, वेनक को चूड़ू। पीछे देखो, वेनक को चूड़ू। पीछे मत देखो, वेनक को चोड़ को। अब को आ जाएगा यानी मत देखो। पीछे देखो, वेनक को चूड़ू। पीछे मत देखो, वेनक को चोड़ को। पीछे वेनुक, पीछे को, वेनुक को चूड़ू। देखो चोड़ को मत देखो। पीछे देखो, वेनक को चूड़ू। पीछे मत देखो, वेनक को चोड़ को। द फिफ्टींथ वन इज बाद। बाद को तेलुगु में कहेंगे तरुआता। बाद में आओ, तरुआता रा। बाद में बात करते हैं, तरुआता माटलाडुकुंदाम। बाद में मिलते हैं, तरुआता कलुद्दाम। बाद, तरुआता, रा आओ। ठीक है फ्रेंड्स। द सिक्सटींथ वन इज अंदर। अंदर को तेलुगु में कहेंगे लोपला। अंदर आइए यानी अंदर को आइए, लोपल को रंडी। लोपल क्यों रंडी, अंदर आओ लोपल को रा। अंदर, लोपल, को कु, लोपल कु आइए रंडी, आओ रा, लोपल की रंडी या लोपल को रा। द सेवेंटीन वन इज बाहर। बाहर को तेलुगु में कहेंगे बैठा। बाहर को कहेंगे बैठा।
मैं बाहर को जा रही हूँ या मैं बाहर को जा रहा हूँ, क्योंकि तेलुगु में किए लगता है तो को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं बाहर को जा रहा हूँ। नेनु बैठकि वेल्तुन्नानु, नेनु मैं बैठकि बाहर को जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वेल्तुन्नानु, नेनु बैठकि वेल्तुन्नानु। द 18th वन इज से, से को तेलुगु में तो, नुंडी या कंटे कहेंगे, तो नुंडी या कंटे। तो तीनों का उपयोग किस प्रकार होगा चलिए वो सीखते हैं। तो फर्स्ट तो से किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे देखते हैं। मुझे आपसे काम है, नाकु मी तो पनुंदी, नाकु मुझे, मी तो आपसे कुछ काम है, ये दो पनुंदी या काम है पनुंदी, मुझे आपसे काम है, नाकु मी तो पनुंदी। नुंडी, नुंडी का उपयोग जब कभी भी कोई प्लेस हो, टाइम हो, उसको बताने के लिए, मतलब वो काम हो चुका है तो उसके लिए हम लोग नुंडी का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार, मैं बाजार से आ रही हूँ, नेनु मार्केट नुंडी वस्तुन्नानु, मैं आ चुकी हूँ तो नेनु मार्केट नुंडी वस्तुन्नानु या आ रही हूँ, तो भी मतलब वो काम वहां खत्म हो चुका उसके बाद ही मैं आ रही हूँ, तो नेनु मार्केट नुंडी वस्तुन्नानु। नेनु रेंडु गंटल नुंडी नी कोसम वेची उन्ना, मैं दो घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी या कर रहा था। नेनु रेंडु गंटल नुंडी नी कोसम वेची उन्नानु, नेनु मैं दो घंटे से, रेंडु गंटल नुंडी तुम्हारे लिए, नी कोसम वेची उन्नानु, इंतजार कर रहा था, कर रही थी, वेची उन्नानु। ओके फ्रेंड्स, कंटे जब भी कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो उसके लिए कंटे। राम से श्याम पतला है, राम कंटे श्याम सन्नगा उन्नाडु, राम कंटे श्याम सन्नगा उन्नाडु, राम कंटे राम से श्याम सन्नगा उन्नाडु, श्याम पतला है, श्याम पतला सन्नगा उन्नाडु है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, दोनों की तुलना हो रही है, तो यहाँ कंटे का उपयोग होगा। द 19th वन इज के बारे में, के बारे में को तेलुगु में कहेंगे गुरिंची, के बारे में गुरिंची, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवर गुरिंची मात्लाडुकुंटुन्नारु, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवरी गुरिंची मात्लाडुकुंटुन्नारु, किसके, एवरी गुरिंची बारे में बात कर रहे हैं, मात्लाडुकुंटुन्नारु। द 21 इज को, को तेलुगु में कू या की कहते हैं, तुमको क्या चाहिए, नीकु एम कावाली, नीकु एम कावाली, मोहित को बुलाओ, मोहित की पिलू, मोहित की पिलू या मोहित को बुलाइए, मोहित की पिलवंडी, मोहित की, मोहित को बुलाइए, पिलवंडी, बुलाओ, पिलू, तो कू और की दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप कर हमें व्हाट्सएप जरूर करें, और पसंद आया हो लाइक करें, कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट कर जरूर पूछें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।